वेलकम बैक दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम डिटेल रिव्यू करने वाले हैं 2023 मारुति सुजुकी वैगनार के ZXi मॉडल का। बेसिकली ये सेकंड टॉप मॉडल है जो कि ऑनरोड कॉस्ट आपको करीब 7 लाख रुपए के ऑनरोड कॉस्ट तक जाता है दिल्ली के अंदर। सारी कुछ बात करने वाले हैं इस कार की, क्या क्या फीचर्स ऑफर करता है, क्या इसके स्पेसिफिकेशन आते हैं, सारी कुछ जो बेसिक रिक्वायरमेंट है ये कार आपकी फुलफिल कर देती है। एक बार कार को आपको मैं इंटीरियर से दिखाता हूँ, फिर बात करते हैं इसके सारे फीचर्स की। तो इंटीरियर से आप देख लीजिए तो इसके अंदर आपको म्यूजिक सिस्टम से लेकर के रिमोट कंट्रोल, सेंटर लॉकिंग, आउटसाइड रियर व्यू मिरर के एडजस्टमेंट, सारे कुछ जो बेसिक रिक्वायरमेंट वाले फीचर्स हैं वो इस कार के अंदर मिल जाते हैं। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं और आपको बताते हैं डिटेल में कि 2023 वैगनार का जो ZXi मॉडल है वो कैसा है, क्या फीचर्स ऑफर करता है। तो सबसे पहले आप इसका फ्रंट लुक चेक कर सकते हो किस तरीके का आपको देखने को मिल जाता है। बॉक्सी डिजाइन के अंदर है तो बड़ा सा आपको यहाँ पे जो इसका हेलोजन वाला हेडलैम्प है वो देखने को मिल जाता है। नीचे आपको इंडिकेटर की प्लेसमेंट है, फॉग लैम्प आपको इस वाले मॉडल के अंदर नहीं मिलते हैं, इसके लिए आपको ZXi प्लस में जाना होगा। बॉडी का जो बम्पर है वो आपको मिल जाता है। ग्रिल के ऊपर आप देखेंगे तो यहाँ पे सुजुकी का लोगो दिया है और इसके ऊपर आपको जो क्रोम का इंसर्ट है वो प्रॉपर देखने को मिल जाता है। तो ओवरऑल सामने से लुक आपने चेक कर लिया है। साइड से बात कर लेते हैं, साइड का प्रोफाइल तो कंप्लीट साइड प्रोफाइल जो है वो आप यहाँ पे चेक कर सकते हो कैसा आपको देखने को मिल जाता है। स्टील लिम्स के साथ आती है ये गाड़ी और यहाँ पे आप देखोगे तो अपने ब्लैक कलर के स्टील लिम्स हैं जिसके ऊपर सिल्वर कलर के जो व्हील कवर्स हैं वो दिए गए हैं। 165/70R14 का जो टायर सेक्शन है वो आपको मिल जाता है। फ्रंट में आपको जो है वो डिस्क ब्रेक्स मिल जाती है और रियर में आपको ड्रम ब्रेक्स ऑफर करी गई है। इसके अलावा ऊपर आते हैं तो फ्रंट फेंडर के ऊपर जो है आपको यहाँ पे इंडिकेटर की प्लेसमेंट मिल जाती है, आउटसाइड रियर व्यू मिरर ये आपको मिल जाते हैं बॉडी कलर के, और इसके अंदर आपको इलेक्ट्रिकली एडजस्टमेंट जो है वो भी दी जाती है। अभी इंटरव्यू में चलेंगे फिर बात करेंगे। ए पिलर देख लीजिए तो अपना ए पिलर जो है बॉडी कलर का है, बी पिलर के ऊपर आपको ब्लैक टैपिंग दी जाती है, इस तरीके से सी पिलर के ऊपर आपको कुछ इस तरीके का जो पोर्शन है वो देखने को मिल जाता है। बॉडी कलर के ही आपको जिसके डोर हैंडल्स हैं वो भी दिए गए हैं यहाँ पे आप देख सकते हो, और यहाँ पे आपको फ्यूल फिलिंग का जो ऑप्शन है वो मिल जाता है इसके कोड्राइवर वाली साइड के ऊपर। रियर प्रोफाइल आप यहाँ पे देख सकते हो, कंप्लीट कार का रियर प्रोफाइल किस तरीके का आपको देखने को मिल जाएगा। ऊपर की तरफ आपको जो है हाई माउंटेड स्टॉप लैंप दिया गया है। रियर विंड स्क्रीन प्लेन है, वाइपर वॉशर डिफॉगर वगैरह आपको नहीं मिलते हैं, और यहाँ पे आप देखोगे तो रियर के टेल लैंप्स हैं वो आपको काफी बड़े साइज के साथ देखने को मिल जाते हैं। इधर आते हो यहाँ पे आपको सुजुकी और यहाँ पे आपको क्रोम की जो वैगनार की आपको बैजिंग है वो देखने को मिल जाती है, और नीचे की तरफ आएंगे दो पॉइंट के साथ अपने जो पार्किंग सेंसर्स हैं वो आपको यहाँ पर दिए गए हैं। कैमरा नहीं मिलता यहाँ पे आप देखोगे तो अपना रिफ्लेक्टर मिल जाता है, और रियर का जो बम्पर है वो भी आपको बॉडी कलर का ही दिया गया है। अब बात करते हैं इसके बूट स्पेस की दोस्तों, तो बूट एक्सेस करने के लिए सिंपली आपको यहाँ पर जो है एक क्लिप टाइप का मिल जाता है अरेंजमेंट, आप इसको प्रेस करके बूट को जो है वो रिलीज कर सकते हैं। कुछ तरीके से अपना यहाँ पे रहने वाला है। 341 लीटर का जो बूट स्पेस है वो आपको वैगनार ऑफर कर देती है, काफी अच्छा आपको मिल जाता है। थोड़ा आपको यहाँ पे लोड लिप जो है वो देखने को मिल जाएगी। नीचे तरफ अपना जो स्टेपी टायर है वो मिल जाता है, और इसका जो टायर सेक्शन रहने वाला है वो आप यहाँ पे चेक कर लीजिए तो 165/70R14 का ही रहेगा, जिस तरीके से आपको बाकी जो रिम्स है वो ऑफर किए जाते हैं। पार्शल ट्रे भी आपको यहाँ पर मिल जाती है कुछ तरीके से। ओवरऑल जो स्पेस है वो आप चेक कर लीजिए। इंटीरियर से बात करते हैं दोस्तों, तो डोर की ओपनिंग आप यहां पर देख लीजिए, कुछ इतनी आपको जो डोर की ओपनिंग है वो देखने को मिल जाती है। कंप्लीट पैनल जो है वो आपको ब्लैक कलर के अंदर ही देखने को मिल जाता है। सिल्वर इनसाइड जो डोर हैंडल है वो दिया गया है, ये पोर्शन आपको कंप्लीट जो है प्लास्टिक फिनिश के साथ मिल जाता है। यहां से आप जो है मिरर को एडजस्ट कर सकते हो, फोल्ड अनफोल्ड जो है वो आपको हाथ से ही इसको करना होगा। बाकी यहां से लॉक अनलॉक के स्विच है, यहां पे चारों पावर विंडो कंट्रोल जो है वो आपको देखने को मिल जाते हैं। ऑटो का फीचर भी मिल जाता है, यानी कि जब आप इसको एक बार की लगा के आपको दिखा भी देते हैं तो यहां पे आप देखो तो ये अपना तो ऑटो का मतलब ये आपको यहाँ पे वन शॉट जो डाउन का फीचर है वो मिल जाता है। वन शॉट अपना अप नहीं होगा, ओनली वन शॉट डाउन का जो फीचर है वो आपको इसके साथ देखने को मिल जाता है कुछ इस तरीके से। यहाँ पे आप चेक कर लीजिए, बाकी चारों पावर विंडोज हैं। नीचे की तरफ आपको यहाँ पे बोतल होल्डर और यहाँ पे आपको यूटिलिटी स्पेस मिल जाती है, और स्पीकर की जो प्लेसमेंट है वो आपको यहाँ पर दी गई है। बाकी यहाँ से आप बात कर लेते हैं दोस्तों, तो यहाँ पे आप कंप्लीट देखोगे तो अपना डुअल टोन का आपको इंटीरियर थीम देखने को मिलने वाली है। ब्लैक और बेज का जो कॉम्बिनेशन है वो आपको इसके कंप्लीट इंटीरियर के अंदर देखने को मिल जाता है। स्टेयरिंग व्हील आप यहाँ पे देखिए तो राउंड शेप के साथ दी गई है, जिसके ऊपर आपको इधर सिल्वर का जो इंसर्ट है वो मिलता है। यहाँ से आप स्टेयरिंग माउंटेड ऑडियो और यहाँ से कॉलिंग कंट्रोल कर सकते हो। बाकी ये जो स्टेयरिंग व्हील है ये आपको टिल्ट एडजस्टेबल भी दिया गया है, इसको आप अपने कन्वीनियंट के हिसाब से कुछ इस तरीके से जो है वो टिल्ट वे में भी एडजस्ट कर सकते हो। चाबी मैंने आपको इसकी नहीं दिखाई है तो आप इसकी एक बार चाबी भी देख लीजिए, तो दो आपको दोनों ही जो रिमोट कीज हैं वो देखने को मिल जाती हैं कुछ इस तरीके से। ये रहने वाली है, सुजुकी का लोगो है, और आगे की तरफ आपको दो बटन मिल जाते हैं, एक मिलता है अपना लॉक का और एक मिलता है अनलॉक का, और दोनों ही जो कीज हैं वो आपको सेम टाइप की दी गई हैं। यहाँ पे आप इसको चेक कर सकते हैं। इसके बाद बात करते हैं अपने इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर की दोस्तों, तो यहाँ पे आप चेक कर लीजिए किस तरीके का आपको जो इसका इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर है वो देखने को मिल जाता है। सिर्फ और सिर्फ स्पीडोमीटर दिया गया है, टैकोमीटर आपको नहीं मिलता है, और नीचे की तरफ आपको जो है वो MIT स्क्रीन मिल जाती है छोटी सी, अपनी ऑरेंज एम्बर कलर की थीम के साथ में दी गई है। इसमें आपको टोटल किलोमीटर बताएगा, क्लॉक है, और कितने अपना फ्यूल का इंडिकेशन है वो सारा कुछ आपको देखने को मिल जाता है। यहाँ पे आपको एक नॉब भी मिल जाती है जिसकी हेल्प से जो है बाकी इन्फॉर्मेशन आप एक्सेस कर सकते हो, जैसे कि आपको मैं दिखा भी देता हूँ। तो यहाँ पे आप ट्रिप जो है वो देख सकते हो, ट्रिप भी देख सकते हो, टोटल
किलोमीटर वगैरह जो है एवरेज वगैरह सारी कुछ जो है वो यहाँ से जो है आप निकाल सकते हैं। तो सारे कुछ फीचर के साथ आपको मिल जाते हैं यहाँ पे अपनी जो स्टिक है इसका आप यूज करके इन्फॉर्मेशन जो है वो एक्सेस कर सकते हैं। बाकी जो एसी वेंट्स वगैरह है वो आप देख लीजिए, तो यहाँ पे है, यहाँ पर दिया गया है, इस जगह पर है, सेम इस तरीके की प्लेसमेंट आपको उसमें देखने को मिल जाती है। सारे आपको ब्लैक फिनिश में दिए गए हैं। ड्राइवर साइड कंट्रोल में आप देखोगे तो यहाँ पे आपको हेडलाइट लैम्पिंग का कंट्रोल स्विच है, यहाँ से आप इसका जो आइडल स्टार्ट स्टॉप का फीचर है वो आप देख सकते हो। बाकी यहाँ पे आप देखोगे तो अपना जो बोनट ओपन करना है तो इससे आप जो है वो ओपन कर सकते हो। तीनों पैडल है, कोने में आपको एक डेड पैडल टाइप का भी मिल जाता है और यहाँ से आप फ्यूल लिड जो है वो ओपन कर सकते हैं। बाकी दोस्तों म्यूजिक सिस्टम की बात कर लेते हैं तो यहाँ पे आपको जो है स्मार्ट प्ले डॉक वाला जो मैनुअल म्यूजिक सिस्टम है वो दिया गया है, जिसके अंदर आपको एम एफ एम यूएसबी ऑक्स और ब्लूटूथ की कनेक्टिविटी जो है वो मिल जाती है। यहाँ पे आप देख सकते हैं वॉल्यूम वगैरह के लिए आपको इस तरीके के डायल जो है वो दिए गए हैं, और ऑक्स वगैरह कनेक्ट करना है, ऑक्स और यूएसबी कनेक्ट करना है तो यहाँ से जो है वो आपको फीचर इसका मिल जाता है। नीचे की तरफ यहाँ पे आपको एक वार्निंग हजार्ड लाइट स्विच दी गई है, अपना मैनुअल एसी विद हीटर है, 12 वोल्ट का एक चार्जिंग सॉकेट मिल जाता है। नीचे की तरफ आपको अच्छा खासा स्पेस जो है वो दिया गया है, 5 स्पीड के मैनुअल ट्रांसमिशन के साथ आती है। यहाँ पे आप इसका जो गियर लीवर है वो देख सकते हो। नीचे की तरफ आप आते हैं तो यहाँ पे आपको कुछ ना कप होल्डर में स्पेस मिल जाता है। पार्किंग ब्रेक लीवर है, क्रोम टिप के साथ दिया गया है। ऊपर आते हैं ड्राइवर साइड सनवाइजर है टिकट होल्डर के साथ। इन साइड रियर व्यू मिरर जो है ये आपको मिल जाता है डिनाइट एडजस्टमेंट के साथ, कुछ तरीके से आप इसको एडजस्ट कर सकते हैं। ऊपर आपको एक कैबिन लैंप मिल जाता है हैलोजन टाइप का। इधर आते हैं तो को ड्राइवर साइड में अपना वैनिटी मिरर मिल जाएगा, और इधर की तरफ आपको एक ग्रैब हैंडल भी दिया गया जो कि फिक्स टाइप का है। नीचे की तरफ आते हैं तो यहाँ पे आपको जो ग्लोव बॉक्स है वो मिल जाता है, और कुछ इतना स्पेस जो है इस ग्लोव बॉक्स में आपको दिया गया है। तो ओवरऑल जो फीचर्स है वो बेसिक रिक्वायरमेंट सारी कुछ आपको यहाँ पे मिल जाती है जो कि मैंने आपको अभी तक बता चुका हूँ। तो ये बात हो गई अपनी कंप्लीट फ्रंट प्रोफाइल की। एक बार सीट वगैरह की बात करते हैं फिर चलते हैं रियर प्रोफाइल में। तो कार की कंप्लीट सीट्स आप देख लीजिए, तो यहाँ पे आपको फैब्रिक सीट अपोस्टरी जो है वो आपको देखने को मिल जाती है, कुछ तरीके से ब्लैक और अपना बेसिक कॉम्बिनेशन के साथ दी गई है। और हेडरेस्ट जो है दोनों ही आपको यहाँ पे फ्रंट वाले चाहे देखिए वो भी फिक्स है, और रियर वाले भी अगर आपको भी दिखाऊंगा तो वो भी आपको फिक्स टाइप के ही मिलने वाले हैं। तो यहाँ पे आपको फैब्रिक सीट मिल जाती है, यहाँ से आप जो है वो रिक्लाइन रिक्लाइन कर सकते हो, और यहाँ से जो है फॉरवर्ड बैकवर्ड का जो ऑप्शन है वो मिल जाता है। हाइट एडजस्टमेंट का फीचर जो है वो वैगनार की किसी भी मॉडल के अंदर ऑफर नहीं किया जाता है, तो इसका आप ध्यान रखिएगा, हाइट एडजस्टमेंट का जो फीचर है वो आपको नहीं मिलता है। तो एक बार चलते हैं अपना सेकंड रो में और आपको दिखाते हैं वहां से कौन कौन से फीचर्स आपको मिल जाते हैं। तो सेकंड रो के डोर की जो ओपनिंग है वो आप यहाँ पे चेक कर लीजिए, तो टोटल जो डोर है वो आपको कुछ इतना ओपन का साथ देखने को मिल जाता है। यहाँ पे आपको इनसाइड डोर हैंडल सिल्वर फिनिश के साथ दिया गया है, प्लास्टिक फिनिश में है। यहाँ पे आपको चाइल्ड लॉक का फीचर मिल जाता है, पावर विंडो कंट्रोल बटन है, बोतल होल्डर है, और रियर में जो है वो आपको स्पीकर नहीं मिलते हैं, सिर्फ आगे की तरफ दिए गए हैं। आगे के दो स्पीकर ही आते हैं इस कार के अंदर। बाकी यहाँ पे आप देखोगे तो दोनों ही आपको जो हेडरेस्ट है वो फिक्स टाइप के ही दिए गए हैं, और 60:40 के स्प्लिट डाउन फीचर के साथ आपको जो है ये रियर सीट देखने को मिल जाती है। इसको आप इस तरीके से डाउन कर सकते हो, इस तरीके से 60 वाला पार्ट भी आप डाउन कर सकते हो, और अपना जो है अरेंजमेंट के तौर पर इसका इस्तेमाल कर सकते हो। फ्लेक्सिबिलिटी में काफी अपना हेल्पफुल रहने वाला है। और बाकी बैठते हैं सीट के और आपको दिखाते हैं कितना कुछ स्पेस है। तो यहाँ पे आप देखिएगा ये जो सीट है बिल्कुल मैंने मैक्सिमम पीछे करी हुई है, इससे पीछे नहीं होती है। तो यहाँ पे 5'8" के हिसाब से आपको लेग रूम कितना मिल जाता है वो आप चेक कर सकते हो। तो इस तरीके का लेग रूम है, थाई सपोर्ट में आपको यहाँ पर देख सकते हो कितना आपको थाई सपोर्ट मिल जाता है। कि स्पेशियस जो कैबिन है वो आपको मिलने वाला है, डुअल टोनर कॉम्बिनेशन है, तो कहीं ना कहीं आपको जो है काफी खुला खुला जो है वो महसूस होने वाला है। ऊपर की तरफ आपको यहाँ पे एक और ग्रैब हैंडल मिल जाता है, इस साइड भी दिया गया है। कैबिन लैंप आपको सिर्फ और सिर्फ फ्रंट में ही दिया गया है, सेंटर में आपको कैबिन लैंप जो है वो नहीं मिलता। नीचे की तरफ सारे टूल वगैरह जो है वो रखे हुए हैं, हालांकि अभी जो है जब डिलीवरी होगी इस गाड़ी की तो उसको सब कुछ को जो है वो पीछे की तरफ रख दिया जाएगा। यहाँ पे आप देखोगे तो आपको कंप्लीट जो है कोई एसी वेंट वगैरह नहीं मिलता रियर में, ना ही कोई अपना चार्जिंग सॉकेट वगैरह दिया गया है, तो कुछ अपना बेसिक सा ये रहने वाला है। दोस्तों वैसे तो वैगनार के अंदर आपको 1.1 लीटर और 1.2 लीटर दोनों ही इंजन ऑप्शन दिए जाते हैं, लेकिन अगर आप जब ZXi मॉडल में आते हैं तो यहाँ पे आपको 1.2 लीटर का इंजन मिलता है जो कि 66 किलोवाट की पावर और 113 न्यूटन मीटर का जो टॉर्क है वो प्रोड्यूस करता है। इस इंजन के साथ इस कार का जो कंपनी क्लेम माइलेज है वो अपना आता है 23.56 kmpl का। बाकी बात करें अगर सेफ्टी फीचर्स की दोस्तों, तो इस कार के अंदर आपको डुअल फ्रंट एयरबैग, एबीएस ईबीडी, रिवर्स पार्किंग सेंसर, स्पीड अलर्ट सिस्टम, सीट बेल्ट रिमाइंडर जैसे जितने भी बेसिक रिक्वायरमेंट वाले फीचर्स हैं वो सारे कुछ आपको इस कार के अंदर मिल जाते हैं। ग्लोबल एनकैप ने इस कार का क्रैश टेस्ट भी किया है, जिसमें इस कार को जो है वो 2 स्टार की सेफ्टी रेटिंग भी मिली हुई है। तो अब लास्ट बचती है इसके प्राइसिंग की डिटेल। तो इस कार का जो शोरूम कॉस्ट आता है वो है 6,26,500 रुपीज़ का। ऑन रोड कॉस्ट दिल्ली के अंदर आपको करीब 7,10,000 रुपीज़ तक जाती है। बाकी डिस्काउंट वगैरह भी मिलते रहते हैं, तो उसको मिला जुला के ये 7 लाख रुपए के अंदर जो है वो आपको मिल जाती है। बाकी इस वीडियो में इतना ही। वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट सेक्शन में बताना ना भूलें। वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा हो लाइक करें, चैनल पर चाहे सब्सक्राइब करें।